हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए दावतों में बनने वाले हलवे की रेसिपी लाई हूँ। उसे मैंने सूजी से बनाया है और इसे मैंने कैरमल फ्लेवर दिया है। तो चलिए हम लोग हलवे बनाने की विधि को की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 चम्मच प्योर घी लिया है और प्योर घी को मैं थोड़ा सा गर्म करूँगी, ज़्यादा नहीं करना है। और उसमें मैं 2 खड़ी इलायची को उसका मुँह खोल के मैं डाल दूँगी। आप चाहें तो इलायची को बाद में भी डालिए। और इसके बाद में मैं इसमें लगभग 1 कप चीनी भर करके डाल दूंगी, क्योंकि सूजी मैंने 1 कप लिया है। तो जितना सूजी लेना है उतना ही हमें इसमें चीनी भी लेना है दोस्तों। और 2 बड़े चम्मच मैंने प्योर घी डाला है। इस हलवे को ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टफुल होता है और बहुत ही एकदम डिफरेंट कैरेमल का स्वाद आता है। तो ज़रूर बनाइएगा। और अब मैंने इसमें 1 कप बर्गर के चीनी डाल दिया है और चीनी को हमें लो हीट पर कैरेमल करना है फ्रेंड्स। उसे धीरे धीरे करके हमें कैरेमल करना है। ध्यान रखिएगा इसे बहुत ज़्यादा हमें एकदम लाल नहीं कर देना है और जलने नहीं देना है, नहीं तो हमारे जो हलवा का टेस्ट है वो एकदम कड़वा हो जाएगा। इसलिए बहुत ही कम फ्लेम पर इसे धीरे धीरे कैरेमल कीजिएगा और ज़्यादा कैरेमल भी नहीं होने देना है दोस्तों। इसी तरह से मैं चलाते हुए इसे कैरेमल कर लूँगी फ्रेंड्स। इस डिफरेंट टाइप से सूजी के हलवे को बना के देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा, खाने में मज़ेदार और टेस्टी भी लगेगा। फ्रेंड्स, आप लोग जो कोई भी मेरे चैनल पर नए हैं वो आप लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स। और हो सके तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ में बेल जरूर दबाइएगा जिससे मेरे आने वाले रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों। क्योंकि मैं हर समय कुछ यूनिक और अलग रेसिपी लेके आती हूँ जो घर में रखे हुए चीज़ों से ही बनती है और हर किसी चीज़ के लिए हमें बाहर दौड़ने की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। जनरली सबके घर में घी और सूजी रहते हैं। अगर घी नहीं है तो आप ऑयल से भी बना सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और इस तरह से थोड़ा अलग टाइप से बनाइए, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। देखिए अब मेरी पूरी चीनी जो है गल गई है, बस इसे 1-2 सेकंड तक ही मैं और चलाऊंगी दोस्तों। थोड़ी सी और घुलने वाली नीचे में बची हुई है, इसलिए एकदम लाइट ही इसे कैरेमल कीजिएगा। और उसके बाद हमने सूजी 1 कप सूजी को पानी में भिगो के रख दिया है फ्रेंड्स। इस डिफरेंट टाइप की रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही पसंद आएगी आपके घर के सभी लोगों को। आप चाहे तो इसमें ऊपर से दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसे सिंपल वे में बना के दिखाया है क्योंकि हर समय सबों के पास हर कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स। और अब देखिए जैसे ही हल्का हुए हैं हमारे कैरेमल, अब मैं इसमें अपने सूजी को डाल दूंगी दोस्तों, जिसे हमने पानी में भिगा के रखा था। देखिए मैंने सूजी को डाल दिया है फ्रेंड्स। मैंने एक कटोरी ही डाला है। उसे मैंने अच्छी तरह से सोख करके लगभग हाफ एन आवर छोड़ दिया था। और देखिए कितने अच्छे से तरह से दोनों मिल गए हैं और बहुत ही अच्छा इनका कैरेमल वाला फ्लेवर आ रहा है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा स्मेल आ रहा है। एक बार ज़रूर इस नई टाइप से हलवे को बना के देखिएगा, सबों को बहुत ही पसंद आएगी। एकदम कैरेमल फ्लेवर के ये हलवे जितने देखने में अच्छे लग रहे हैं उतने खाने में भी टेस्टी बने थे। लेकिन बस इसे ज़्यादा देर तक कैरेमल मत कीजिएगा चीनी को, बस हनी लाइट हनी के जैसा जैसे ही कलर आए उसमें हमें भीगे हुए सूजी को डाल देना है। और अब देखिए मैंने इसमें कूटे हुए काजू को जिसे मैंने रफली कूट लिया था उसे डाल दिया है। आप चाहे तो कतरे हुए बादाम भी डाल सकते हैं। और अब ये लगभग हो गए हैं, लेकिन इसमें मैं थोड़ा थोड़ा गर्म पानी डालूँगी जिससे कि अच्छी तरह से ये पूरी तरह से पक जाए। पक तो गए हैं लेकिन थोड़ा सा और मैं पानी डालूँगी। अब पानी इसमें मैं गर्म ही मिलाऊँगी फ्रेंड्स। सबसे पहले इसमें मैंने 1 टेबल स्पून और घी डाल दिया है। हलवे में जब तक ऊपर से घी ना दिखे तब तक मज़ा नहीं आता है दोस्तों। हलवा खा रहे हैं तो थोड़ी सी तो मनमानी करनी ही होगी। ये वैसे तो ये रेडी है लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी, गरम पानी थोड़ा थोड़ा करके ही पहले मैं मिलाऊँगी जिससे कि सब आपस में अच्छी तरह और मिल जाए। सबसे पहले मैंने थोड़ा सा पानी लिया था 1/4 कप और उसके बाद मैं और लूँगी थोड़ा सा पानी और गर्म पानी भी मिलाइएगा।
मेरे पुराने सब्सक्राइबर को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के चलते मेरी अब 1000 होने जा रही है। फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का। प्लीज़ आप लोग इसी तरह से मुझे सहयोग करते रहें और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह नए नए और एकदम अनकॉमन रेसिपी लेके आती रहूँगी। देखिए, अब हमारे कैरेमल हलवा बिल्कुल रेडी हो गए हैं। इसे आप लोग किसी पार्टी में, दावत में या शाम के नाश्ते के समय खाइए या सुबह के नाश्ते में, बहुत अच्छे लगते हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए आपको कैसे लगे। प्लीज़ फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आज्ञा दीजिए नई रेसिपी लाने तक। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून फ्रेंड्स।